समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस बार यानी 2024 में समाजवादी पार्टी के संस्थापक और अपने पिता मुलायम सिंह के बिना पहली बार लोकसभा का चुनाव का जो है वो सामना करने जा रहे हैं, वो भी तब जबकि बसपा के साथ उनका गठबंधन नहीं है और मायावती भी अकेले चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के सामने चुनौतियां कई हैं। पहली चुनौती है टिकट बंटवारे की, जिससे पैदा हुई नाराजगी को साधना अखिलेश के लिए एक बड़ी चुनौती है। और दूसरी यानी सबसे अहम चुनौती अपने मजबूत गढ़ को बचाए रखना, क्योंकि कभी जो सीटें सपा की अभेद्य के लिए हुआ करती थी उनमें से भी ज्यादातर पर बीजेपी का कब्जा आज है। अखिलेश इस चुनौती से कैसे पार पाएंगे, सपा के गढ़ को अखिलेश कैसे बचाएंगे, इस अग्नि परीक्षा में वो कितना पास हो पाएंगे और क्या क्या चुनौतियां रहेंगी, इसी पर देखें हमारी खास रिपोर्ट। एक तरफ यूपी में बीजेपी 80 आउट ऑफ 80 की तैयारी में है, तो वही महागठबंधन की प्रमुख साझेदार समाजवादी पार्टी के सामने नई चुनौतियां सिर उठा रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती है टिकट बंटवारे की नाराजगी की। समाजवादी पार्टी में आजम खान की नाराजगी के बाद उपजे विवाद ने नया संकट खड़ा कर दिया है और इस संकट को सुलझाने के लिए इस बार समाजवादी पार्टी के पास मुलायम सिंह जैसे मंझे हुए सियासी रणनीतिकार भी नहीं है। इस पर भी चुनौती ये है कि समाजवादी पार्टी बीते दो चुनाव में अपने ही गढ़ की सीटें गंवाती आ रही है, लिहाजा सपा के युवा मुखिया अखिलेश यादव की सबसे बड़ी परीक्षा तो यही होगी कि वो बीजेपी के किले में सेंध लगाना तो दूर, अपना गढ़ कैसे बचाते हैं, क्योंकि प्रदेश की कई ऐसी सीटें रही हैं जहां जातिगत और धार्मिक समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहे हैं, खासकर इटावा, एटा, मैनपुर, फिरोजाबाद, बदायूं, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर और आजमगढ़ और कन्नौज समेत प्रदेश की 10 सीटें ऐसी हैं जहां यादव मतदाता प्रभावी हैं, जैसे फिरोजाबाद में 19%, मैनपुरी में 26%, एटा में 17%, तो कन्नौज में भी 16% यादव मतदाता हैं। और इसी यादव मुस्लिम यानी MY समीकरण को साथ कर समाजवादी पार्टी यहां की ज्यादातर सीटें जीतती रही है। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्रीय राजनीति में उदय के साथ ही अब इनमें से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2019 में तो अखिलेश यादव को अपने गढ़ की सीटें भी गंवानी पड़ी, जिसमें उनकी पत्नी की सीट कन्नौज भी शामिल है। इटावा की बात करें तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी का खाता वर्ष 1996 में खुला था, तब से ही ये सीट सपा के पास रही। लेकिन 2014 में मोदी लहर में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा हो गया और तब से ये सीट बीजेपी के पास है। इसी तरह फिरोजाबाद भी सपा का मजबूत गढ़ था, जहां 1999 से 2019 तक सपा का कब्जा रहा, लेकिन अब ये सीट बीजेपी के खाते में है। बदायूं में तो समाजवादी पार्टी बीते 6 चुनाव से अजेय थी, लेकिन 2019 में बीजेपी के संगमित्रा मौर्य ने सपा प्रत्याशी और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को हरा दिया। वहीं आजमगढ़ की बात करें तो ये सीट सपा का मजबूत गढ़ रही है और यहां से पार्टी ने लगातार 4 बार जीत दर्ज की थी। 2014 में मुलायम सिंह वहां से जीते तो 2019 में अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की, लेकिन 2022 के उपचुनाव में बीजेपी के दिनेश लाल निरुआ ने सपा के धर्मेंद्र यादव को हरा दिया। ये हालात तब हैं जबकि 2019 में सपा BSP के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, जिससे मुस्लिम और दलित वोटों का ज्यादा बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन इस बार BSP साथ नहीं है और ऐसे में दलित वोट सपा के खाते में कितना आएगा और मुस्लिम वोट का कितना बंटवारा होगा, ये भी बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।